मत जाए ना, माननीय मुख्यमंत्री जी को अब आराम करना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी को कितना आप लोग फेरिएगा, बिहार के लिए काल बनता जा रहा है, तो इसको पूर्णतः समाप्त कर दीजिए। तो जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है, न कि शक्ति लागू करने की आवश्यकता। अब उनको आराम करने दीजिए भाई। नीतीश की जगह पर आरसीपी सिंह उस समीकरण का हिस्सा बनेंगे। एक सवाल ये भी है कि आप लगातार बिहार के अलग अलग हिस्सों में दौरा कर चुके हैं जी। आपके टीम के संरक्षक आरसीपी सिंह दिल्ली गए हुए थे, क्या दिल्ली में भाजपा नेताओं के साथ बातचीत हुई है? देखिए, अब ये इन बातों को अभी हम कुछ विशेष नहीं बता सकते हैं, ये सब की अधिकृत रामचंद्र बाबू हैं और ऑन द रिकॉर्ड। लेकिन हाँ, जो है सब ठीक है और सारी बातें होगा वही जो बिहार के हित में होगा। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि वो उसी के साथ हैं जो बिहार के हित में है। और हम बीजेपी को भी कहेंगे कि आप उठाकर देख लीजिए कि बिहार की तस्वीर और तकदीर पलटने में वही वो रामचंद्र बाबू ही थे जो माननीय मुख्यमंत्री जी के पर्दे के पीछे से रहकर बैटिंग किया करते थे, और जब जब से वो वहां से धीरे 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 बाहर की तरफ गए हैं तो बिहार की तस्वीर और तकदीर क्या हुई। आप भी, भारतीय जनता पार्टी भी, अगर आज इतना श्रेय विकास का ठप्पा या आगे की तरफ बढ़ी तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का काम, वो एनडीए का काम था और उस काम के पीछे रामचंद्र बाबू थे, ये आप भी अच्छे से जानते हैं। तो कहें कि भाई आप रामचंद्र बाबू को साथ लाइए और उपेंद्र कुशवाहा जी को लाइए, चिराग जी को लाइए, मांझी जी को लाइए, सहनी जी को लाइए और एक मजबूत गठबंधन बना के और बिहार में एक नई सरकार देने का काम। मतलब ये 2014 के बाद जो गठबंधन एक बार बनी थी जी, जिसमें जीताना मांझी, मुकेश सहनी सभी लोग शामिल थे, बिल्कुल, क्या उस गठबंधन बनाने, उस गठबंधन को बनाने की बिल्कुल आज की राजनीति की मांग हो चुकी है। नीतीश तो उस गठबंधन में नहीं जाएंगे, तो नीतीश मत जाए ना, माननीय मुख्यमंत्री जी को अब आराम करना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी को कितना आप फेरिएगा, अब उनको आराम करने दीजिए भाई। नीतीश की जगह पर आरसीपी सिंह उस समीकरण का हिस्सा बनेंगे भाई। माननीय मुख्यमंत्री जी के बनाए सामाजिक समीकरण को अगर मजबूती से कोई व्यक्ति लेकर चल सकता है और आज वो समीकरण अगर किसी व्यक्ति के तरफ निगाह बैठाकर देख रहा है तो वो आरसीपी सिंह ही हैं। उसमें थोड़ी बहुत कमी माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी अगर साथ आ जाते हैं तो वो पूरी हो जाएगी और भला माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का सपनों का भी हो जाएगा और आरसीपी सिंह जी का तो होना था ही। अच्छा, शराबबंदी पर आपसे अंतिम टिप्पणी ले लेते हैं, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? नीतीश जी कह रहे हैं कि जो विरोध कर रहा है शराबी है। बिल्कुल, तो देखिए अब ये कह देने की बात है कि जो विरोध कर रहा है, विरोध तो सब लोग कर रहा है, हमारा इतना ही करना है। भाजपा के लोग को ज्यादा कोट कर रहा है कि सब शराबी है, वो पॉलिटिकल बयान है, वो ठीक है, सब शराबी है तो सबका ब्लड टेस्ट करा लीजिए, रोज ब्रेथ एनालाइजर लगाइए। मांझी, हम क्या कहें, मांझी जी ने क्या कहा था कि सरकार का कौन अधिकारी ऐसा नहीं है जो 10 बजे रात के बाद क्या करता है, कौन विधायक ऐसा, तो छोड़ दीजिए इन बातों पर, हम किसी पे आरोप नहीं लगा। मेरा इतना ही कहना है कि शराबबंदी आपकी बहुत अच्छी नीति थी, लेकिन यह नीति अगर बिहार के लिए काल बनता जा रहा है तो इसको पूर्णतः समाप्त कर दीजिए, अन्यथा इस नीति को इस तरीके से लागू कीजिए कि एक बूंद शराब कहीं ना मिले। और एक जान क्या किया जा सकता है? नीतीश कुमार ने तो शराब पीने वाले को जेल भेजा, कड़ा से कड़ा दंड दिया, अब उसमें कुछ बचा? जब तक अब डेडिकेटेड फोर्स बना दीजिए, अब जैसे 500 करोड़ रुपया माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा खर्च किया जा रहा है, उसके लिए हेलीकॉप्टर तो ड्रोन तो ये वो, छोड़ दीजिए ना भाई। जब देखिए खान पान पे नियंत्रण नहीं हुआ, आप वो 500 करोड़ रुपया लोगों को जागृत करने में लगाइए ना, किसको शौक है मेरा लीवर फेल हो जाए, किडनी फेल हो जाए, सब हो जाए। तो जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है, न कि शक्ति लागू करने की आवश्यकता। शराबबंदी नीति को लेकर लगातार चर्चा हो रही है, ऐसे में कई लोगों का मानना है कि शराबबंदी नीति को अच्छे तरीके से लागू किया जाए तो सदन के सत्र में कई विपक्षी दल के विधायक के साथ साथ सत्ता पक्ष के विधायक भी इस बात के समर्थन में थे कि शराबबंदी की वजह से बिहार में सच में बहुत नुकसान हो रहा है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली, ओजे एगो घंटी बा ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाए। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386